नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है एयर इंडिया के अनुसार कंपनी के डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पैसेंजर सर्विस सिस्टम से चुनिंदा लोगों का डेटा लीक हुआ है इस साइबर अटैक से दुनिया भर के 45 लाख यात्रियों का डेटा की सुरक्षा प्रभावित हुई है एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच रजिस्टर हुए विश्व भर के 45 लाख यात्रियों के डेटा पर साइबर अटैक हुआ है जबकि एयर इंडिया को इसकी पहली सूचना पच्चीस फरवरी 2021 को मिली यात्रियों का जो पर्सनल डेटा लीक हुआ है उसमें यात्रियों का नाम जन्म की तारीख मोबाइल नंबर पता पासपोर्ट नंबर टिकट की जानकारियाँ स्टार अलायंस और एयर इंडिया के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स का डेटा और क्रेडिट कार्ड का डेटा भी शामिल है एयर इंडिया ने सफाई देते हुए कहा है कि यात्रियों के क्रेडिट कार्ड डेटा के साथ उनका सीवीवी नंबर या सीवीवी नंबर लीक हुआ है साथ ही फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के पासवर्ड का डेटा भी सुरक्षित है एयर इंडिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं एयर इंडिया पैसेंजर्स डेटा को सीता पीएसएस मैनेज करती है भारत ने हाल ही में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस के केस रिपोर्ट किए हैं मौजूदा हालात में जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण में लिए अपने तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर यह सलाह दी है बता दें हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का गठन किया जाए और अस्पताल या संस्था के के मुखिया या प्रशासक को अध्यक्ष बनाया जाए ये सलाह दी गई है एक संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण नोडल अधिकारी को नामित करें साथ ही ब्लैक फंगस या वरिष्ठ संक्रमण नियंत्रण नर्स नेशनल गाइडलाइन के तहत इन्फेक्शन अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम इंप्लीमेंट को लागू करें एक सोडियम हाइपोक्लोराइट या सत्तर परसेंट जैसे डिसइंफेक्टेंट के साथ अस्पताल और अक्सर छूई जाने वाली सतो की सफाई कीटाणु शोधन और स्वच्छता बनाए रखें ये सलाह दी गई है देश भर में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक पोस्ट शेयर की जा रही हैं। इसी बीच के सरकार ने सोशल मीडिया पर कंपनियों से कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी ऐसे कंटेंट को तुरंत हटा दें जो कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग करता है या संदर्भित करता है ताकि कोविड 19 से जुड़ी फेक न्यूज पर अंकुश लगाया जा सके सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी सूत्रों के मुताबिक आई मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में इंडियन वेरियंट शब्द को कोरोना वायरस के बी.1.617 वेरिएंट के साथ नहीं जोड़ा है जानकारी जो के मुताबिक इस संबंध में शुक्रवार को आईटी मंत्रालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर गलत बयान शेयर किए जा रहे हैं जिसके मुताबिक कोरोना वायरस का एक इंडियन वेरिएंट सभी देशों में फैल रहा है मामले को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 मई को जारी की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से उन सभी कंटेंट को तत्काल हटा दें जो आपके प्लेटफॉर्म से कोरोना वायरस के इंडियन वेरियंट का नाम संदर्भ या अर्थ देते हैं तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव नहीं किया है जिसकी वजह से शुक्रवार को बड़े तेल के भाव आज स्थिर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजार में पेट्रोल तिरानवे जबकि डीजल की तिरासी दशमलव आठ शून्य रूपए प्रति लीटर है घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश उन्नीस और उनतीस पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल का मूल्य सौ रूपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया जबकि डीजल का भाव इक्यानवे रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है दिल्ली के बाजार में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत तिरानवे दशमलव शून्य चार रुपए प्रति लीटर हुई जबकि डीजल की कीमत तिरासी दशमलव आठ शून्य प्रति लीटर पहुंच गई है नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्यवधि चुनाव का ऐलान किया है बता दें नेपाल में 12 और 19 नवंबर को मध्यवधि चुनाव होंगे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावों को खारिज कर दिया है जानकारी नेपाल कार्यालय की ओर से दी गई है के शर्मा ओली और विपक्षी दलों दोनों ने ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था ओली विपक्षी दलों के नेताओं से कुछ मिनट पहले राष्ट्रपति के कार्यालय में पहुंचे थे गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया